Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need to... Okay, what's up guys, welcome back to my channel, my vlogging life. So guys, मैंने सोचा यार देखो, इससे पहले भी वीडियो हमने कई बार शूट कर चुके हैं यार, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या ही करूं. कुछ और मत समझ लेना. हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो यार, सुनो मेरी फीलिंग, सुनो पहले आराम से, धीरे से. हाँ, क्या जा रहा यार, देखो मैं कहना ये जा रहा हूँ, अभी है टाइम बिल्कुल सेट अपनी ब्लॉगिंग का, क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है, ठीक है, अभी हमारा राज है घर पर. तो आज हमने देख लिया, टाइटल भी देख लिया, तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी क्रिकेट किट. आपको पीछे दिख रहा है एक अवॉर्ड, अवॉर्ड तो कहीं क्यों, अरे यार एक बताऊँगा इसके पीछे, अभी बता दूँगा तो फिर ब्लॉग में क्या देखूँगा. भाई ब्लॉग पूरा देखना और वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, जरूर यार जरूर. वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं अभी बताता हूँ आगे क्या करना हमें इस ब्लॉग में अभी. ये तो भाई ये सीन ये है आज के ब्लॉग का. तो यार देखो, मुझे आई थिंक आज ये मंथ हो रहा है मई, तो ये लास्ट चल रहा मई का, तो ठीक है यार. मुझे यार देखो, मेरे को टाइम में अगर मैंने तुम्हें कभी, तुमने वो वीडियो मेरी पुरानी ओल्ड वीडियो देखी हो तो तुम्हें याद होगा कि मैं अलग से क्रिकेटर भी हूँ, मतलब कि प्रोफेशनल नहीं हूँ, कुछ इतना किया नहीं है मैंने, मतलब खेल लेता हूँ यार ठीक ठाक, थोड़ा अच्छा था. मैं अपने लिए बता रहा हूँ, किसी और से पूछोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है चलो. हाँ तो यार देखो, मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेलता हूँ, तो मेरे पास है एक किट. तो यार काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे कि हम लास्ट टाइम में जब मैं गया था, आई थिंक मैं फैब में गया था अपनी प्रैक्टिस सेशन के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, और आई थिंक मैंने खेला कोई एक मैच भी जब ही खेला था जब फैब में खेला था, ठीक है. उसके बाद ना तो मैंने किट, अपनी क्रिकेट किट बैग को ना तो हाथ लगाया और ना उसको खोल कर देखा कि उसमें मेरा कोई सामान है या नहीं है, कोई मिसिंग चीज़ है या नहीं है. तो करने के वालों, आज मैं उस निकालूँगा उस किट को और उस किट को क्लीन करेंगे साथ मिलकर. क्या तुम तो सिर्फ देखोगे, मैं करूँगा, ठीक है. तो यार उस किट को मेरे को करना है क्लीन, तो क्लीन करते हुए मैं सारा एक एक सामान निकाल कर दिखाऊँगा तुम्हें, मेरी किट में मेरे पास क्या क्या सामान है, और उसके पीछे एक एक चीज़ बताऊँगा कि वो कैसे ली थी मैंने. क्योंकि यार जो मेरी किट है ना, वो मैंने प्रॉपर एकदम नहीं खरीदी है. जिसको जो जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, उसको सबको पता होगा किट कैसे मिलती है, उसके सामान सारे कैसे मिलते हैं. हाँ तो यही सीन है, तो आज चलो स्टार्ट करते. तो किट लेकर आता हूँ मैं, दिखाता हूँ तुम्हें और उसको क्लीन करेंगे. यार मैं बहुत इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ कि अपनी चीज़ों का ध्यान रखना और चीज़ों को साफ करना. तो चलो चलते हैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें किट. ओके भाई, तो ये रही अपनी किट. ये देखो कितने टाइम से, ये पुराना हेलमेट है, बहुत टाइम से ऐसे, देखो कितना धूल मिट्टी लगी पड़ी है, इसको मैं नीचे रखता हूँ. और ये है अपनी किट, तो अभी हम इसको उधर लेके जाएंगे और फिर इसको. ट्रॉफी जो हमने लास्ट टाइम जीती थी, मतलब कि ये यार पूरी टीम को, जब तक पूरी टीम की जो मेहनत होती है भाई, ये वो होती है, ये जो हमें मिली थी, ये हमने लास्ट टाइम हमने जीती थी हरिद्वार में जो हमने लास्ट टूर्नामेंट खेला था, ये हमने उसमें जीती थी. तो ये रही अपनी किट. तो मैं इसको भी थोड़ा इसको साइड करता हूँ बैट को पहले. अब अपनी किट को देखते हैं. ये देखो, ये ज़्यादा बड़ा बैग नहीं है मेरा, तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ धीरे धीरे. पहले यार ये देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है इस पर. ओके भाई, तो अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूँ.
पहले मैं जरा थोड़ा स्टूल सेट कर लूँगा। हाँ अब देखो मैं इसको करता हूँ ओपन, ये अपना बैग है। हाँ तो मैं ये एक बात और बता दूँ भाई, ये देखो ये जो मैंने ना अपनी किट बनाई है, मैंने प्रॉपर पूरी किट नहीं खरीदी थी, मैंने एक एक करके सामान लिया था। जिसको नॉलेज है क्रिकेट के बारे में वो सब बंदा समझ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाई सबसे पहले अपने आते हैं पैड्स, ये देखो भाई सबसे फेवरेट पैड लगते हैं मेरे को, और थोड़े गंदे हो चुके हैं ये भी। ये देखो ये मेरा SG के पैड है, इसको हम साइड करते हैं, देख लो SG के मेरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पर। और अभी इसको हम दोनों पैड्स निकाल लेते हैं। ये देखो भाई किसी चीज़ मतलब कि मैंने इनको इतनी अच्छे तरीके से यूज़ किया है ना, फटने नहीं दिया है कहीं से भी। और ये देखो ये थोड़ा यूज़ हुए हुए ज़्यादा ही मेरे से, तो यार इसलिए तुम्हें थोड़ा पुराना लग रहा होगा, वैसे ज़्यादा पुराना है नहीं। ये देखो अंदर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब हम इसको पहन कर अपनी बैटिंग करते हैं। और ये है अपना हेलमेट और अपने ग्लव्स, ग्लव्स भी मैंने SG के ही यूज़ किए हैं, ये देखो। और मेरे ग्लव्स भी ज़्यादा कुछ इनका बिगड़ा नहीं है, जो कि मैंने बिगड़ने भी नहीं दिया, तो हम इनको यहाँ रखते हैं। और ये देखो दूसरा ग्लव्स, ग्लव्स भी SG के है भाई, सबसे कंफर्टेबल और कम सबसे सबसे बेस्ट बजट में और सबसे बढ़िया क्वालिटी SG की ही होती है, ये देखो। और ये अपना रिबोक का हेलमेट है जो कि ये मेरे एक फ्रेंड का है, और ये देखो क्या निकल के गिरा है यहाँ से, ऑक्सीजन मास्क। ये एक और ये वाइट बॉल है, ये रबड़ की बॉल है, इसे नॉकिंग के लिए बढ़िया रहती है, थोड़ी गंदी हो रखी है। और बॉल निकली है, ओके गाइस तो अभी ये तीन बॉल्स लिख लिए लेदर की, और मुझे लगता है अभी और भी काफ़ी सामान है अंदर मुझे लगता है। ये देखो निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो भाई दो बॉल और लिख लिए, ये देखो ये जितने भी लास्ट टाइम मैच हुए थे ये उन सब की बॉल है। एक और भाई ये मेरी निकल गया यार, एक ये बहुत पुरानी थाई पैड है, ये किसी काम की नहीं है मेरे वैसे। और क्या रह गया है इसमें अब, चलो भाई यहाँ ओके। तो अब हम ये वाली पॉकेट खोलेंगे, इसमें देखते हैं, सबसे पहले अपनी कैप आती है जो सबसे ज़रूरी होती है भाई, और क्या है ये इसमें गूगल्स हो गए और क्या होगा, ये थोड़ा ये हैंड बैंड है लगाने के लिए हाथ पर, और ये एक और बॉल, ये देखो कितनी सारी बॉल हो गई है, और ये एक और एल कार्ड, और ये अपनी सनस्क्रीन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाई फेस पे लगाने के लिए। तो ये सामान मेरी किट में से निकला, और ये एक एक्स्ट्रा ग्रिप रखता हूँ मैं बस, और कुछ नहीं है इस किट में। और ये अपना तुम्हारा लोंडा ये है, तो ये मैंने फ़ोटोज़ कोई काम होगा तो मैंने रख ली होगी, तो मैं दिखाता हूँ ये सारा सामान निकला है अभी अभी अपनी किट में से, देख लो प्रॉपर पूरी किट है। बाकी अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगा बैट। भाई ये अपना बैट, USD का कवर है, सिर्फ USD का बैट है नहीं इसमें, बैट वही होगा जो प्रोडक्ट जो है मेरे पास सारा वही प्रोडक्ट का मैं सब सामान रखता हूँ। ये अपना SG का बैट, ये देखो SG का बैट है भाई,
कश्मीरी विलो ही है, क्योंकि भाई ज़्यादा अफोर्ड नहीं करता मैं, तो इसलिए मैंने अभी इंग्लिश विलो नहीं लिया। क्योंकि सबसे पहले आप अगर कभी भी आप स्टार्ट करो क्रिकेट खेलना, तो यही मैं कहूँगा, सबसे पहले आप यही यूज़ करना, कश्मीरी विलो। तो ये भी कश्मीरी विलो ही है, देख लो। और बहुत यूज़ हुआ ये बैट, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बैट है ये इस कंपनी का, SG का। वैसे आप कोई भी ले सकते हो अगर आपका ज़्यादा बजट है तो। वैसे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही बैट रहता है, मेरे को ये बेस्ट सबसे बढ़िया बैट यही लगता है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। देखो ओके गाइस, ये देखो इस बैट पर जो मैंने खेला वो जहाँ तक, तो ये देखो इस पर कैसे लेदर बॉल के जो निशान पड़े हुए हैं, ये देखो पूरे बैट पर प्रिंट आया हुआ। मैंने टेपिंग भी की हुई है बैट पर, ये देखो आपको दिख रही होगी तो। और ये देखो पूरे बैट पर ये ग्रिप, मैंने NB की ग्रिप यूज़ की है इधर, जो ये वाइट ग्रिप है ना, ये NB की ग्रिप है। और ये देखो अपना बैट पूरा अभी भी वैसा का वैसा ही है। मुझे 2 साल हो चुके हैं इस बैट को लिए हुए। ओके गाइस, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी प्लीज़ यार, जो भी हमारा मेरा फ्रेंड्स या जो भी हमारे एकेडमी या जो भी मेरे साथ खेले हुए मतलब खेलते रहते हैं, अगर वो भी अभी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट ब्लो करना, कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे भी पता चलेगा क्या कोई जो अभी भी देख रहा है मेरी वीडियो। चलो यार, मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा, अब मैं इसको करूँगा क्लीन और दिखाऊँगा। वैसे यार वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं मुश्किल ये कि मैं अभी आगे का सीन दिखा पाऊँ आपको, ये देखो इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और...